चंद्रपुर शहर के गांधी चौक में भाजपा नेता विधायक सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ निषेध आंदोलन किया गया। इस समय मुंबई पुलिस के नोटिस को चलाया गया और सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जानबूझकर झूठी कार्रवाई की तो पूरे राज्य में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस समय भाजपा नेता पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, बेईमान सरकार के विरोध में कार्यकर्ता और जनता का आक्रोश है। विधानसभा में विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस जी ने ये भ्रष्टाचार पुरावों के साथ जब बताया तो ये देश में पहली घटना है। ये भ्रष्टाचार करने वाले को तकलीफ होती है, यहाँ भ्रष्टाचार निकालने वाले को तकलीफ दी जा रही है। हमारे राज्य की विधानसभा में 180 पन्नों का नियम पुस्तिका में हमें यह संरक्षण मिला है कि हम विधानसभा में जो बात उठाते हैं वो हमें कानून के संरक्षण के माध्यम से उठाने का अवसर मिलता है। मगर आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद इनका दिल काला हुआ है। ये जो बेईमानी के आधार पर सरकार बनी है, अब ये बेईमानी बढ़ाने का और बेईमानी के आधार पे विरोधी पार्टी के नेता को तकलीफ देने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं।